व्लॉग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन का सालन, और चिकन मैंने 500 ग्राम ली है, दही मैंने एक पाव लिया है, इसे फेंट लिया है, प्याज ली है दो गट्टी, इनको भी मैंने पीस लिया है, और अदरक लहसुन एक चमचा है, इसे भी मैंने पीस लिया है, लाल मिर्च एक टेबल स्पून, पिसा धनिया एक टेबल स्पून, और हल्दी भी आधा टी स्पून है, आधा टी स्पून जो है नमक है, गरम मसाला है साबित, जायफल जावत्री के टुकड़ा लिया है मैंने थोड़ा थोड़ा, इसे पीस कर शामिल करूँगी, और एक हरी मिर्च ली है जिसे मैंने थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने तेल जो है वो गरम कर लिया है, आधा कप लिया है तेल। अब इसमें मैं प्याज और अदरक लहसुन शामिल करके ब्राउन कर लूँगी, इतना मतलब उसको फ्राई करूँगी कि ब्राउन हो जाए प्याज। तो प्याज देखिए ब्राउन होने लग गई है। अब मैं इसमें जितने भी स्पाइसेस है ना वो डाल दूँगी, और जायफल जावत्री भी पीस के डाल दूँगी। तो मसाला भून गया बहुत अच्छा सा, और उसमें मैंने चिकन शामिल कर दिया। अब चिकन को अच्छा सा भून लूँगी, इतना भूनूँगी कि जितना भी पानी है ना प्याज का वो जो है खुश्क हो जाए, और फिर मैं इसमें दही शामिल करके और फिर अच्छा सा भून के फिर आपको बताती हूँ। अब देखिए पानी सारा खुश्क हो गया है, दही का भी और प्याज का भी, और बहुत अच्छा सी भुनाई मैंने कर दी है। इसमें भुनाई बहुत ज़्यादा होती है सालन में, और अब ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। अब मैं आपको डिश आउट करके फिर दिखाती हूँ। जी तो सालन तैयार है चिकन का, बहुत मज़ेदार सा भुना हुआ सालन, और जल्दी से झटपट से बन जाता है आधे घंटे में। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा वीडियो कैसी लगी आज की, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।